आप देख रहे हैं न्यूज बिहार, बिहार का नंबर वन डिजिटल चैनल। आखिरकार वो घड़ी आ गई जब महागठबंधन खत्म हो गया। ये बात हम नहीं कहत, बल्कि जौन स्थिति परिस्थिति पैदा हुई बा वो साफ कह रहा बा कि महागठबंधन समाप्त हो गए। नमस्कार, गोड़ा पे स्वागत बर वाला के न्यूज बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव में। लगातार दावा प्रतिदावा के बीच महागठबंधन में उपचुनाव शायद कहर बन के गुजरल, और ये कहर इतना बड़ा रहे कि पूरी तरह से महागठबंधन के छत विछत कर दिलस। हालांकि छत विछत तो 2019 के लोकसभा चुनाव में ही महागठबंधन हो गई रहे। महागठबंधन में 5 दल रहन, खूब दावा प्रतिदावा भी रहे, 40 सीट के दावेदारी रहे कि 40 के 400 सीट जीत जाए, कोनो ऐसन उम्मीदवार या कोनो ऐसन दल के प्रमुख ना रहन कि उ कहत ये दावा के नाक रहन कि 40 के 400 सीट हमनी के जीतब जा। लेकिन स्थिति जब परिणाम आए तो जस्ट ओकरा उल्टा भइल, कई दल के बोहनी तक ना भइल। अगर इज्जत कसहूँ बाँचल तो कांग्रेस एगो सीट जीत करके महागठबंधन के नेस्तनाबूत होके से बचा लेलस। अब वही महागठबंधन में स्थिति ई बा कि जे अपना के सबसे ज़्यादा महागठबंधन के पुरजोर बड़ा पार्टी कहत रहे, समर्थक मानत रहे, उहे ए महागठबंधन में भंडोल कर दिया। महागठबंधन में उपचुनाव के 5 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट के लेकर के लगातार चर्चा चलत रहे और ई कहल जात रहे कि सब कुछ आराम से सलट जाए। लेकिन हमनी के लगातार रुआ लोग के सामने रखत रही जा कि इतना ज़्यादा महागठबंधन में महत्वाकांक्षी लोग जुट गई बा कि जौना से लेकर के महागठबंधन में विवाद होना निश्चित बा। हालांकि विवाद के शुरुआत के एनडीए में भी बात भई रहे, लेकिन एनडीए कहीं ना कहीं यह बात के समय पर समझ गई और नीतीश कुमार के पीछे चले खातिर भारतीय जनता पार्टी स्वीकार कर लस। वो जे दूसरा तरफ कहल जात रहे कि अनुभवहीन वाले तेजस्वी यादव, उनका अभी राजनीति के गुर सीखे के पड़ी, बहुत तरह के बात भई। लेकिन ये सब बात के बीच जौन बात रात में गुजर गई वो बात महागठबंधन खातिर बहुत चिंताजनक रहे, और खास करके वो लोग खातिर रहे जौन यह आशा में बैठे रहन कि वो महागठबंधन के हिस्सा बढ़े और उनका भी एकरा पर कुछ ना कुछ प्रतिनिधित्व मिल सकेला, या उनका से राय मशवरा तो जरूर हो सकेला। लेकिन ऐसा भइल कि आरजेडी कोई से राय मशवरा करे के भी तैयारी ना कैलस और आपन प्रत्याशी घोषित कर दिलस। पहले वो 2 प्रत्याशी के सिंबल दिलस, नाथनगर और दोसरका सीट रहे बेलहर से। बाकी के 5 सीट बा, जना में 1 सीट कांग्रेस के किशनगंज, पहले भी कांग्रेस कह दिले रहे कि हमार किशनगंज बा और किशनगंज हम छोड़े के तैयार नहीं थी। परिस्थिति हम लोग कल ही माइंड मेकअप कर चुके थे कि हम लोग को अकेले लड़ना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस वर्कर जितने थे उन लोग डिमांड में है। उन लोग का भी कहना है कि हम लोग को अब जमीन पे जाना चाहिए और अकेले लड़के अपने वजूद को तलाश के हम लोग को भी दिखाना है सबको कि हमारा भी क्या है। और हम लोग 27 विधायक का भी हैं विधानसभा में, तो 27 कम नहीं होता है। आगे हम लोग को लगता है कि अगर अकेले भी लड़ेंगे तो हम लोग 100 के आसपास जरूर पहुंचेंगे। सरकार हम लोग नहीं बना, लेकिन अपना दम दिखा सकते हैं और हम लोग चाहते हैं। आला कमान से भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया, अब इन लोग क्या डिसीजन लेते हैं, ऊपर वाले जो डिसीजन लेंगे उसको मान्य है, लेकिन हमको लगता है अकेले उपचुनाव लड़ना चाहिए। कांग्रेस लगातार समावेश की राजनीति कर रही है और दलों को भी अपने साथ लेकर चलते हैं, मगर जिस तरह से राजद ने कल एक बड़ा कहा सकता कि उलटफेर कर दिया है राजद। एक बात समझिए, हम लोगों को पार्लियामेंट में 9 सीट मिला, 9 में 1 सीट हम लोग जीते, राजद लड़ी 19 सीट पे। क्या स्थिति रही उनको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि उनका क्या है, 0। हम तो कम से कम 1 अपना हाजिरी बनाए हैं ना, 1 से हम लोग 100 जाएंगे, अब वो अपना समझे क्या होगा। एक दौर था जब लालू यादव के साथ आपका कंपेटिबिलिटी बहुत सही बैठता था, अब तेजस्वी यादव के हाथ में कमान है, कहीं ना कहीं अनुभवहीनता दिख रही है। नहीं, ये देखिए अभी भी लालू जी ही कमांड संभाले, लालू जी ही डिसीजन लेते, लगता हमको लगता है उनके इर्द गिर्द जो है वह सही सलाहकार नहीं है, जो उनको भ्रम में रखते हैं, गलत सलाह दे रहे हैं, जिसके कारण ये परिस्थिति आ रही है।
जिस तरह से सर ज्यादा सीटों पर उन्होंने खुद अपना दावा कर दिया है, अब तो महागठबंधन में जितने दल हैं छोटे दल, ये तो आपकी तरफ भागेंगे, भागना भी शुरू कर दिया है, इनके लिए क्या स्थान है? नहीं, ये तो आला कमान डिसाइड करेगी। अगर उन लोग सम्मानजनक स्थिति में हम लोग अगर लड़ेंगे तो उन लोग को भी सम्मान देना चाहिए, क्योंकि वो हमारे साथ पार्लियामेंट में थे। अगर राजद नहीं दिया तो हम आला कमान को उनके ऊपर भी सोचना चाहिए। तो परिस्थितियां यही लग रही है सर कि राजद के खिलाफ ही आपको चुनाव लड़ना पड़ सकता है कई सीटों पर, तो क्या होगा? हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं, जो होगा ऊपर वाला देखेगा, भविष्य दिखाएगा, जमीन हम लोग अपना बताएंगे क्या है। वोट बैंक पर नजर नहीं? अरे वोट बैंक तो चुनाव के बाद ना पता चलेगा। वोट बैंक तो बहुत सुनते थे जब महागठबंधन था फलना, वोट बैंक दिख गया किसका क्या है, तो चुनाव के बाद एग्जैक्ट फिगर आपको बनेगा किसका कितना वोट। शायद एकरा पर रहम करते हुए आरजेडी ना कुछ कैलस, लेकिन दो सीट के बाद ही विवाद छिड़ गई रहे। अब स्थिति और जो सूत्र बता रहे बड़े कि चार के चारों सीट जो शेष बाचा था पांच गो में से कांग्रेस के छोड़ला के बाद, वो बाकी के सीट पर भी अपन प्रत्याशी घोषित कर ले और सिंबल तक दे दी हलवा। आज पूरे दिन एकरा पर जम करके बिहार के राजनीति गरमाइल रहा, और एक गर्मा गर्मी में जौन तेजस्वी यादव के सबसे प्रबल मित्र कहल जात रहन, साथी कहल जात रहन, हर स्थिति में उनका समर्थन में खड़ा रहन, यहाँ तक ले कहल रहन कि अगर बिहार के मुख्यमंत्री कोई बनत रुए तो वो बड़े तेजस्वी यादव, ओकरा खातिर वो हर तरह के तैयारी शुरू कर दिल रहन। लेकिन सबसे पहले मुखर होकर के उहे बयान दिले, हालांकि उनका पार्टी में आज खुशी के माहौल रहला और ओकरा खातिर प्रेस वार्ता बोले रहले हैं कि कई गो जदयू के पुरान साथी और काफ़ी कद्दावर नेता वीआईपी पार्टी में आज शामिल होकर रहले हैं, ओकरा खातिर प्रेस वार्ता बुलावल जा रहा। लेकिन प्रेस वार्ता बदल गई महागठबंधन के रार के लेकर के, महागठबंधन पर विवाद के लेकर के, महागठबंधन के एक घटक दल आरजेडी पर नुक्ता चीनी और उनका के औकात बतावे पर आ गई, और यहाँ तक ले मुकेश सहनी कह दिले कि ई अगर स्थिति रही तो हमने के सब सीट हार जाए जा, और यहाँ भी वो कहले कि ई आरजेडी के सबसे बड़ा गलती बा और एक गलती के खामियाजा भुगते के पड़ी। जहाँ जहाँ महागठबंधन के अन्य दल लड़ी हैं ओया वीआईपी पार्टी उनका के समर्थन करी आरजेडी के अलावे। ये कोऑर्डिनेशन जो था वो मेरे थ्रू हो रहा था, और ये मेरे थ्रू हो रहा था। मैंने ग्रीन सिंगल माझी जी को दे दिया था एक सीट का, और ये चीज़ का रिपोर्ट हम तेजस्वी जी को भी बता चुके थे, उनके पार्टी में बड़े नेता को भी बता चुके थे, माझी जी को, उपेंद्र जी को बता चुके थे, और कांग्रेस पार्टी को भी बोल दिए थे कि ये सीट वो एक लड़ना चाहते ग्रीन सिग्नल दिया था तेजस्वी जी, हाँ मतलब जब कोऑर्डिनेशन मैं कर रहा हूँ तो मुझे किसी का ग्रीन सिग्नल की आवश्यकता थोड़े है। और जब रहा न्याय करने का, तो न्याय करने के लिए किसी का ग्रीन सिग्नल की क्या बात होता है, न्याय तो न्याय होता है, जो सच है उसको न्याय कीजिएगा ना, न्याय करेंगे। इसलिए हमने बोला कि वहाँ पे आरजेडी भले बड़ा पार्टी हो, लेकिन वहाँ हम पार्टी भले छोटा हो, हम पार्टी को मदद करेंगे, आरजेडी को मदद नहीं करेंगे। अब ये सब बात के लेकर के बड़ा फरिया के सब बात कहले है, लेकिन एकरा बाद आरजेडी से जो दूसरा खबर आ रहा बा वो और ज़्यादा महागठबंधन के नबूत होकर खत्म होकर के बात कहा जा रहा बा कि आरजेडी के महागठबंधन से निकाले के तैयारी शुरू हो गया। महागठबंधन में अलग अलग दल अलग अलग जगह बैठक करते रहे हैं, और एकरा साथ साथ कांग्रेस भी आज संध्या समय में बैठक आहूत कर ले बा। सदाकत आश्रम में जमावड़ा मीडिया के जहां लागल बा, वही सदाकत आश्रम में कांग्रेस के सब 26 विधायक सांसद और पदाधिकारी मौजूद बाड़े, यहां तक लगे कि प्रभारी भी पहुंच गए बाड़े, सीएलपी लीडर भी पहुंच गए बाड़े, सारा लोग जा जुट गई बा और मंत्रणा चल रहा बा। अब यह मंत्रणा से निकल के का आई उर्वालों के जरूर हमने बताई जा, लेकिन यह बीच में ये खबर बहुत ज़्यादा और चिंताजनक बा महागठबंधन खातिर कि आरजेडी केहू के ना सुनलस, और बाकी के शेष चार गो सीट पर वो दरकिनार करते हुए सब लोग के अपन प्रत्याशी घोषित कर दिलस। और नया जो लिस्ट आएल बा, लिस्ट के हिसाब से नाथनगर से राबिया खातून जिसन के रोलों के बतैले भी नहीं जा, और बेलहर से रामदेव राय, सिमरी बख्तियारपुर से जफर आलम, दरौंदा से उमेश सिंह के टिकट दिहल गुरु, और एक सिम्बॉल भी वो लोग के दे दिहल बा। अब स्थिति ये बा कि वीआईपी आरएलएसपी और हम का करी लोग, का करी लोग, ये तो दिगर बात बा। चर्चा जबरदस्त चलत रहे कि ये सब से अलग कर दिया ये मैंने महागठबंधन से बाहर करके आरजेडी के, और एक गठबंधन के नया स्वरूप दिया जाए जन में आरजेडी ना रही,
जेडीयू ना रही, बीजेपी ना रही, बाकी के चार गो दल रही और एक अलावे जो समान विचारधारा वाले दल वाले उनका के शामिल कर जाए। एक पहले ही आरजेडी ये घोषणा करके अपना के खुद ही महागठबंधन से अलग होके के ऐलान कर दिलस। जैसन कि रुआ के नजर आ रहा बा विरोध निश्चित रूप से आरजेडी के महागठबंधन में बिस बेल के तरह काम करी। आवे वाला समय में एक संभाले के जो प्रयास रहा वो प्रयास पर भी अब लागता कि विराम पूरी तरह से लग गई। कांग्रेस के प्रयास रहा अंतिम समय तक, जब अभी से दू घंटा पहले तक जब एडिटर इन चीफ नमन मिश्रा पूछले हा तो उनमें निकल के आई हा कि कांग्रेस के अभी तक मन रहा मिजाज रहा कि महागठबंधन के बचा लिए। लेकिन अब जो नया अपडेट भइल बा कि चारों सीट पर अपन प्रत्याशी के सिंबल बांट दिले बा आरजेडी, अब महागठबंधन के बचावल शायद मुश्किल होके और एकर फायदा निश्चित रूप से विरोधी के यानी कि एनडीए के मिली। जुड़ा इस न्यूज़ बिहार भारत लाइव के साथ, फिर कोनो खबर के साथ जुड़ा तनी गोड़ लगा तनी। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।